एक गांव में एक नदी रहता था। उस नदी पर लोग नावों में इस पार से उस पार आते जाते थे। एक नाव पर एक बूढ़े जोड़े डोसा और इडली बनाकर बेचते थे। उनका नाम था शिवम और पार्वती। वे दोनों उस नाव में जाते हुए दूसरे नाव पर जाने वाले यात्रियों को इडली और डोसा बेचते थे और उनका दिया पैसे लेते थे। ऐसा सुबह के समय पर टिफिन, दोपहर के समय पर चिकन मटन बिरयानी, शाम के समय पर समोसा और बज्जी ऐसे बनाकर बेचते थे। नदी के उस तरफ शहर रहने के वजह से इस तरफ गांव से स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले और कुछ काम रहने वाले लोग नावों पर आते जाते थे। इसी बीच उनका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। हर रोज काम होने के बाद वे लोग सामान के साथ नाव पर नदी के किनारे पर आकर उधर नाव को बांध कर घर जाते थे। उनको लिंगम कहकर एक नालायक बेटा था। उसको सारे बुरे आदतें थे। जब भी देखो तो दोस्तों से मिलकर शराब पीना, पत्ते खेलना करता था। हर रोज रात होने के बाद पूरा नशे में लिंगम सोता था। पार्वती एक थैली में उसके लिए खाना परोसकर उसका बिस्तर के बगल में रखती थी, तो शिवम उसका टकिया के नीचे उसका खर्चा के लिए थोड़ा पैसे रखकर दोनों काम पर जाते थे। लिंगम उठकर पैसे लेकर, छी छी, केवल 300 ही रखे हैं, कहाँ काफी होंगे मेरे खर्चों के लिए। ये लोग इस जन्म में नहीं बदलेंगे, जब भी देखो तो ये चावल और ये दाल, कहकर प्लेट को नीचे फेंक दिया। एक बार नाव के पास आकर माँ पिता के साथ पैसों के लिए बहुत झगड़ा कर रहा था। ऐ, तुमने जो दिया वो पैसे पत्ते में खत्म हो गए हैं। अब शराब के लिए पैसे कौन देगा? मुझे तुरंत 500 दीजिए, उधर मेरा दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कहा तब शिवम, बेटा उतने पैसे अब के अब नहीं है, 200 रुपए देता हूँ, चाहिए तो ले लो, लेकिन तुम ऐसे इधर आकर झगड़ा करना ठीक नहीं है बेटा। कहा तब लिंगम, केवल 200 रुपए दोगे? 200, ठीक है, इधर दो, और क्या कर सकते हैं, कहकर पैसे छीनकर चला गया। एक बार वाइन शॉप के पास शराब पी रहा लिंगम से उनका एक दोस्त, अरे लिंगम, और कितने दिन ऐसे तुम्हारे पिता के पास भीख मांगोगे? कोई उपाय के बारे में सोचोगे कि नहीं? पूछा तब और एक, इसमें सोचने की क्या बात है, कल उसका माँ बाप गुजरने के बाद उनका पूरा संपत्ति तो इसका ही हो जाएगा ना, तब तक इस बेवकूफ को उनसे भीख मांगना ही पड़ेगा। कहकर हंसा। तब लिंगम गहरा सोच में पड़ गया। घर वापस आकर सो रहा उनका माँ पिता को देखकर, ये लोग मरने के बाद ही संपत्ति मेरा होता है, इनको मुझे ही खुद ऊपर भेजना होगा, सोचा। अगले दिन उनका खाने में नशे का दवाई मिला दिया लिंगम ने। वो खाना खाकर दोनों बेहोश हो गए थे। बाद में अंधेरे में कोई भी देखे बिना उन दोनों को ले जाकर नाव में सुला दिया और नाव का रस्सी को खोलकर उसे पानी में धक्का दे दिया। ऐसे वो नाव नदी में बहते हुए चली गई। तब लिंगम, अरे वाह, उनका नशा उतरने के लिए कुछ दिन लगते हैं, तब तक ये नाव बहते हुए नदी में से समुन्दर तक पहुंच जाएगी, तब ये दोनों भूख और प्यास से मर जाएंगे, तब उनका संपत्ति पूरा मेरा हो जाएगा। ऐसे वो नाव नदी में से समुन्दर में बहते हुए जाकर उधर एक द्वीप के किनारे पहुंच गई। उधर कुछ जंगली लोग उनको देखकर उनको उठाकर उनका इलाके में लेके गए। कुछ देर के बाद वे दोनों को होश आया। तब वे दोनों उधर उन जंगली लोगों को देखकर बहुत डर गए। तब उस इलाके का नायक आकर, हमारा द्वीप में अगर कोई भी लूटने के लिए आते हैं तो हम उन्हें मारे बिना छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, बोलिए आप इधर क्यों आए हो, हमारे औरतें और बच्चों को उठाकर लेके जाने के लिए ही आए हैं ना? कहा तब शिवम, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, हमें क्या हुआ है, हम इधर तक कैसे आए हैं हमें पता भी नहीं है, भगवान के ऊपर कसम। कहा तब वो नायक, आप जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, ये हमारा जादुई आईना ही बोलेगी, कहकर उधर एक बड़ा आईने के ऊपर विभूति छिड़का। तब उसमें लिंगम खाने में नशे का दवाई मिलाना और वो खाकर वे दोनों बेहोश होकर गिर जाना, उनको नाव में सुलाकर नाव को नदी में धक्का देना और पूरा संपत्ति उनका होता है कहकर सोचना, ये सब दिखाई दिया। वो देखकर शिवम और पार्वती बहुत दुखी हुए। तब वो नायक, अब हम आप पर विश्वास करते हैं, आप लोगों में संपत्ति के लिए खुद के माँ पिता को भी मारने के लिए भी रहने वाले हैं क्या? आज हमारा इलाके में बड़ा त्योहार है, हमारा मेहमान नवाजी को स्वीकार करके जाइए, हमारा त्योहार के लिए हमारा पकवान, कहते हुए उनको दिखाया।
उधर देखा तो उबाले हुए अंडे, कोयले पर जलता हुआ चिकन और मटन दिखाई दिए। तब शिवम उधर नीचे रेत में देखा तो उनको बहुत सारे केकड़े दिखाई दिए थे। तब शिवम, नायक जी हमें कुछ नहीं करके छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार के दिन फल और बिना नमक और बिना मिर्ची वाले ये मुर्गी और बकरी क्या खाएंगे? हम जो बनाते हैं उस बिरयानी का स्वाद आपसे करवाते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम आपको क्रैब बिरयानी खिलाते हैं। हमें थोड़ा क्रैब्स पकड़ कर दीजिए, बस वही वही केकड़े। कहा ऐसे वे लोग पकड़े केकड़ों से शिवम और पार्वती मिलकर उधर क्रैब बिरयानी बनाए। वो क्रैब बिरयानी खाकर उधर के जंगली लोग बहुत हैरान रह गए थे। वो क्रैब बिरयानी का स्वाद का दीवाने बन गए। तब वो नायक बहुत खुश होकर उन दोनों को सोना दिया। उस सोने से वे लोग एक वृद्धाश्रम बनाकर बहुत सारे बूढ़े लोगों को सहारा देने लगे। माँ पिता के दिया हुआ कंप्लेंट से लिंगम जेल में चला गया। लिंगम जेल के अंदर से, हाय फ्रेंड्स, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो दया करके एक लाइक मार के शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप में से कितने लोग आजकल क्रैब बिरयानी खाए थे और खाने के लिए सोच रहे हैं, ये हमें जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू ऑल, धन्यवाद, अलविदा।